भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हल छठ यानी हल षष्ठी का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा हल षष्ठी के व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और इस व्रत की कथा क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हल छठ बलदाऊ जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान बलराम जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का महापर्व मनाया जाता है, जिसे हल षष्ठी या हर छठ के रूप में भी माना जाता है। और इस व्रत को विशेष रूप से जो है संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए माना जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए और उनकी सफलता के लिए इस व्रत का पालन करती है तथा भगवान बलराम जी से विशेष प्रार्थना करके व्रत धारण किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार हल छठी का यानी हल षष्ठी का महापर्व 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन रहेगा। 27 अगस्त की शाम को 6:24 से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन शाम को लगभग 6:24 तक जो है षष्ठी तिथि रहेगी। इसलिए आपको हल छठ का यदि व्रत करना है, हल षष्ठी का व्रत करना है, तो 28 अगस्त 2021 के दिन ही आपको यानी शनिवार को ही हल छठ का व्रत करना चाहिए। वैसे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब सप्तमी युक्त षष्ठी होती है उसी दिन हल छठ का व्रत करना चाहिए। वृद्धि तिथि के साथ में व्रत किया जाता है। कुछ पंचांगों में 27 अगस्त भी बताई गई है, लेकिन शास्त्रों के नियम के अनुसार यदि देखें तो सप्तमी युक्त जो षष्ठी रहेगी वो 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसलिए सभी माताएं बहनें जो हल षष्ठी का व्रत करती है, जिसे हर छठ भी कहा जाता है, हल छठ भी कहा जाता है, इसका व्रत 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन ही किया जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदाऊ जी यानी बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल अथवा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा और भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। हल छठ के दिन यानी 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठे और उठकर के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद पृथ्वी को गोबर से लीप करके या फिर पक्की जमीन है तो पोछा लगा करके छोटा सा तालाब वहाँ पर कच्ची जमीन में बनाना चाहिए और तालाब नुमा एक गड्ढा खोद करके इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलेश की यानी खांकरे की या पलाश की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हल छठ को वहाँ पर गाड़ देना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर विधि विधान से जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, नैवेद्य और कपूर आरती इत्यादि जो वस्तुएं होती है पूजन सामग्री की, इनसे पूजन अर्चन किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार का अनाज जैसे चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी, कजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के हो रहा तथा जौ की बाली भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। हल छठ के समीप में ही कोई आभूषण अथवा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी स्थापित किया जाता है। पूजा करने के पश्चात भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन किया जाता है और उसके बाद इस हल छठ की कथा का श्रवण भी किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से फलाहार के रूप में समा के चावल का उपयोग किया जाता है। समा के चावल एक अलग प्रकार के होते हैं तथा इस दिन भैंस के दूध का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस दिन शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का फलाहार करना चाहिए। व्रत करने वाले को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
वो चाहें तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत का कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो समा के चावल की खीर बना करके या उनका भोग बनाकर ही भक्तजनों माताओं बहनों को ग्रहण करना चाहिए। हल छठ के दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन किसी भी याचक भिखारी या मांगने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपनी श्रद्धा भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य ही करना चाहिए तथा हल छठ के दिन सौभाग्यवती माताओं को भी दान पुण्य करने का विधान है। इसके अलावा हल षष्ठी यानी छठ माता का विशेष पूजन अर्चन करके संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। वैसे तो भगवान का जो पूजन अर्चन होता है वो श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के कोई कठोर नियम की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा भावना के अनुसार आप यदि व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब हम आपको हल छठ की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था और इसे हल षष्ठी के रूप में माना जाता है। हल षष्ठी की जो पौराणिक कथा है उसमें बताया है कि प्राचीन काल में ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोच करके उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झर बेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। वह उस बच्चे को वहीं पर छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव के लोगों को वह दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का जो तीखा वाला नुकीला भाग होता है जिसे फल कहा जाता है उस बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ करके वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह ग्वालिन जो दूध दही इत्यादि गौरस बेचने गई थी वह वापस आकर के वहां आ पहुंची। बच्ची की ऐसी दशा देख करके उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध और न बेचा होता तो आज जो है मेरी यह स्थिति नहीं होती और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौट करके सब बातें गांव वालों को बता करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा उसने मन में निश्चय करके उस गांव में पहुंची जहां पर उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खा करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर के आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी भी मैं जाने अनजाने में झूठ नहीं बोलूँगी, गलत काम नहीं करूँगी। और उसके बाद उसने षष्ठी माता यानी हल छठ का व्रत तथा पूजन किया और विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना की तथा उसका पुत्र उसे जीवित अवस्था में प्राप्त हो गया। अपने पुत्र को लेकर के अपने घर गई और बहुत सारा सुख भोग करके अंत काल में उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शेषनाग भगवान की जय, बलराम भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बलराम भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हल षष्ठी यानी हल छठ के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हल छठ का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।